रोक सकता उसको प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में, तो बहुत ज्यादा हुई है, काफी डेवलपमेंट हुई है। एक्चुअली वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नजर आ रही है। मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे दैट इंडिया इज राइजिंग अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस चीज़ को पाकिस्तानी आवाम किस तरह देखती है और उनको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन 2024 के क्या वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही दोबारा लेकर आएंगे कुर्सी पे? क्या वो हुकूमत आने वाली 2024 की भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की होगी? और जिस तरह पहले उसने आईटी पे, टेक पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे और ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया, क्या आने वाले टाइम में भी वो इस डेवलपमेंट को इसी तरह करते चले जाएंगे या इससे कम होगी या ज़्यादा होगी, हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से। और ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके, कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ ग्रूम कर रहे हैं, ये हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। आपकी क्या राय है नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सोनम। असद। मोहम्मद अहमद। अदील शेख। मेरा नाम मिनाल। इब्राहिम। अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको क्या लगता है इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? हुई भी है और नहीं भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें उसने की हैं अपने कंट्री के लिए, बट अगर मेजॉरिटी पे जाएँ तो लोग उसको नहीं भी पसंद करते, और ज़्यादा जाएँ तो कुछ लोग पसंद भी करते हैं। बट मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में, तो बहुत ज़्यादा हुई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रूम किया अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप देखें उसके अलावा पॉवर्टी, उसके जो वहाँ पर पॉवर्टी है इस टाइम वो अंडर द लाइन जा रही है, उसके लिए उसने अगर काम किया मोदी ने तो वो पेपर वर्क है, सिर्फ ऑन द पेपर उसने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाएं तो उसने कोई काम भी नहीं किया अपने गरीब को ऊपर उठाने के लिए। वहाँ पे आप पेंडेमिक देख लें, कोविड का इतना ज़्यादा फैला कि उसको अपने शमशान घाट बंद करने पड़े, इर्द गिर्द जालियाँ लगानी पड़ी ताकि लोग अंदर के हालात ना देख सकें कि अंदर हो क्या रहा है, वो उसको छुपाता रहा मोदी। तो इस वजह से अगर आप टेक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप उसकी एमबीबीएस की बात करें तो टॉप 100 डॉक्टर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इंडिया ब्रेक करने लगा है कुछ ही अरसे में, जो आने वाली इस टाइम खबरें हैं उसके मुताबिक। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर जो इस ड्यूरेशन में हुआ है अंडर कोविड, वो हुआ है आईटी। उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और दूसरा उन्होंने ट्रेडिंग में की है, ट्रेडिंग में इंडिया ने सबसे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी उन्होंने अपने बेटर किए हैं दूसरे मुल्कों के साथ। दैट्स वाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतनी तरक्की देखते हुए इंडिया की आने वाले टाइम पीरियड 2024 के इलेक्शन में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफ़ा भी अपना टेन्योर दोबारा लेके आएंगे? क्या तीसरी दफ़ा भी वही एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे? हो सकते हैं। क्या चांसेस हैं, क्या रीज़न? ज़ाहिर बात है एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जब लोगों के लिए अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो लोग भी ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसके लोग उसके साथ हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता? कौन रोक सकता उसको प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो अभी मुझे कोई नज़र तो नहीं आई वहाँ पर जितना मैं जानता हूँ, और मोदी का तो सबको ही पता कि वो किस किस्म के हैं, तो उनके बारे में तो मैं टोटली स्पीचलेस, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, उनके बारे में स्पीचलेस, लेकिन अगर हम एज अ हुक्मरान उनको देखें, मतलब बीइंग अ पर्सन नहीं, एज अ हुक्मरान देखें और इंडिया के डेवलपमेंट देखें, तो क्या आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ? मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने एजुकेशन पर थोड़ा सा जोर जरूर दिया है, बट अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इतनी खास तो नहीं। व्हाट अबाउट आईटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी? आईटी इंटरनेशनल में थोड़ा बहुत काम तो किया हुआ उन्होंने,
आई थिंक इंडिया ने हर सेक्टर में तरक्की की है, उन्होंने अपने आईटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। प्रीमियर लीग्स, उनके डोमेस्टिक लेवल, उनके क्लब लेवल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जैसा कि इन्होंने लेवल खत्म कर दिया, डोमेस्टिक लेवल खत्म कर दिया, इस वजह से हम इस सेक्टर में भी और बाकी सेक्टर में भी तरक्की नहीं कर रहे। आप किस तरह देखती हैं इंडिया की तरक्की को, कितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में पिछले इतने टाइम में, मोदी की दो हुकूमतें गुजरी हैं? काफ़ी डेवलपमेंट हुई है एक्चुअली। वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो मतलब आपस में लगे हुए कि हमने ये पोजीशंस लेनी है और ये आपस में ही झगड़ झगड़ के, और हाँ इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। आपने कहा कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, अगर वहाँ मेजॉरिटी पसंद ना करती होती तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इलेक्शन इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, क्या वजह? पावर एंड मनी। आज के वर्ल्ड में अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, दो टेन्योर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत गुजार चुकी है, आपको क्या लगता है जब प्राइम मिनिस्टर दोबारा वो इलेक्ट हो जाएंगे 2024 में, उनके वाम इतनी सपोर्टिव है, उनके साथ सपोर्टिंग है? असल में ना मोदी के जो पिछले दो टेन्योर्स आए हैं अगर आप उसको देखें तो वो एक RSS के एजेंडे पर आए हैं। इलेक्शंस करीब आते जाएँ तो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाना, उसको ये कहना कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, इस बिना पर वो इलेक्शंस जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ही एक लोगों के अंदर आप कह लें कि क्रुएलिटी है, उसके खिलाफ दुश्मनी का एक अंसर है, नफरत है पाकिस्तान से, कि जो बंदा भी अगर कहेगा कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, वो आ जाएगा। दूसरी बात है पैसा, वहाँ पर हमारे पाकिस्तान की तरह हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती है, ठीक है, कोई भी किसी को भी पैसा फेंके वो बिक जाता है, ठीक है। अगर आप एक गरीब से भी पूछेंगे ना, अगर मोदी उसको सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं आने वाले टेन्योर में पाकिस्तान को ये कर दूंगा, वो ये नहीं देखेगा कि मेरी क्या था गुरबत बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान के साथ इसने ये करना है तो ठीक हो गया भाई, इसको वोट दे दो। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें आने वाले टाइम पीरियड की, 2024 में जो इंडिया में इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है उसमें क्या तीसरा टेन्योर भी, तीसरी हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर से आ जाएगी? क्या वहाँ के अवाम इतनी उनके साथ है और उनकी डेवलपमेंट को देख रही है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? अगर वो काम कर रहे हैं कौम के लिए और मतलब सब मतलब सपोर्टिव हैं तो फिर ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, डू यू थिंक कि ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द रीज़न, मतलब सिर्फ उनकी हुक्मरान उसकी वजह है या अवाम का भी हाथ होता है? इस क्वेश्चन में तो ज़ाहरी बात है कि जो मुल्क में ज़ाहरी बात है डेवलपमेंट होती है, वो ज़ाहरी बात है उसका प्राइम मिनिस्टर ही उसका जो होता है वजह होती है, प्राइम मिनिस्टर जो फैसले करता है उसी लिहाज से डेवलपमेंट होती है, ज़रूरी तो नहीं जो लॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग हो, प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है। IT में इंडिया नो डाउट बहुत आगे है पाकिस्तान से, तो बहुत आगे है IT, उनके IT के इंजीनियर्स, IT सॉफ्टवेयर्स के ये लोग तो बहुत आगे हैं। ऑटोमोबाइल में जाएं तो उनका रतन टाटा है, उसने इलेक्ट्रिक जो हैं कार्स वो की हैं और काफ़ी लो प्राइस पे की हैं, जबकि उसके एज़ कम्पेयर्ड एलन मस्क को देखें तो एलन मस्क ने अपना एक प्लांट लगाया है इंडिया में, तो उसको कंपेयर करने में अगर जाएँ तो रतन टाटा ने अपनी कार्स की हैं और उसने कम प्राइस पर की हैं, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स के हिसाब से भी और हर चीज़ में अगर कहें तो इंडिया आगे है। मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे, क्यों, क्या वजह? मेरे तो ये है कि उनके तो मज़हब की वजह से, क्योंकि उनमें वहाँ पे आपस में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो आपके जो लिंक्स डेवलप करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो नहीं हो पाते, तो इसी तरह का सीन है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो टेक के अंदर हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, हमारा टेक पे इस टाइम कोई भी काम नहीं हो रहा, हमारे स्टूडेंट्स जो भी टेक के आ रहे हैं IT के हों, CS के हों, सॉफ्टवेयर के हों, वो बाहर के मुल्कों को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में इस टाइम कोई नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान के अंदर उनको इतना पे नहीं किया जाता कि वो अपने नीड्स पूरी कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर मोदी ने दोबारा RSS का एजेंडा अपनाया तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएगा, जाहिर सी बात है उसने फिर आ जाना है, तो उसके अंदर कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ उसके IR हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उसने बहुत अच्छे कर लिए पाकिस्तान की नस्बत, डिफेंस पे वो अपना पैसा अन्यवाह ही लगाई जा रहा है, कोई पता नहीं है, चले ना चले पैसा लगाना है उसने बस।
ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है, क्या 2024 के इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे और इंडिया की डेवलपमेंट और आगे जाएगी या पीछे आएगी। लोगों को क्लिक कीजिए नीचे फर्दर दी हुई मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच जरूर कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।